सोलर लाइटें लगाने के नाम पर जिले की तांदी पंचायत में ठगी का मामला सामने आया है। पंचायत प्रतिनिधियों की सजगता से यहां पर पुलिस ने 68 लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया है। गोहर विकासखंड की ग्राम पंचायत तांदी के गांव सांबला में पंचायत प्रधान देवेंद्रा कुमारी और दो वार्ड मेंबरों ने मिलकर 4 फ्रॉड लोगों में से 2 को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जबकि 2 ठग भागने में कामयाब हो गए हैं। घटना उस वक्त घटी जब ये 4 ठग राजेश, प्रवीण, अमृत और प्रवीण सोलर लाइट्स लगाने के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए बाइक और स्कूटी में सांबला गांव आए हुए थे। यहां वार्ड मेंबर नवाब अली और दामोदरी देवी पहले से ही इनके इंतजार में बैठे थे। इनके पास लोगों के 59,000 रुपए थे, जिन पैसों के लिए ये चारों ठग आए थे। लोगों को क्या पता था कि ये वेशेर के मुंह में निवाला निकालने की भूल कर रहे हैं, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों की सजगता से यहां पर पुलिस ने 68 लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया है। जब काम कर रही थी तो कुछ लोग हमारे पास भी आए और लोगों के पास भी आए और उन्होंने बताया कि आपको जो है 3,000 की सोलर लाइटें मिलेंगी और आपको पर परिवार 1,000 जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जब लाइटें आएंगी तो उसके बाद जो है पूरा पैसा आपको बाद में देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो लोगों के पास गए, मैंने मना कर दिया कि हमें लाइटें नहीं चाहिए, हम इमुर्जा से लेंगे लाइटें, हम बाहर की कंपनी से कोई लाइटें नहीं लेंगे। और इन्होंने लोगों के पास जाकर भी ये बातें की और लोगों ने पैसे इकट्ठा करके वार्ड मेंबरों के पास जमा किए। तो जब मुझे पता चला कि इन्होंने वार्ड मेंबरों के पास पैसा इकट्ठा किया और 14,000 रुपये लेकर वो 2 लोग भाग गए और 2 लोग जो है पकड़ लिए हम लोगों ने। उनकी आरसी की कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट जो डुप्लीकेट हैं वो भी, मतलब सारे आधार कार्ड भी पकड़ लिए, सब कुछ मतलब डुप्लीकेट बनाया हुआ है उन्होंने, वो सारे हम लोगों ने पकड़। वही चौकी प्रभारी पंडो हेमराज शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रवीण और अमृत नामक युवाओं को उन्होंने पूछताछ के लिए पकड़ लिया है, जिसमें इनके आधार कार्ड नकली पाए गए हैं। इन्होंने अपना पता शिमला और सरकाघाट बताया है। उन्होंने कहा कि जो फरार हुए हैं वे भोरंज के बताए जा रहे हैं। पुलिस को ये सभी लोग किसी बड़े गैंग के लग रहे हैं और छानबीन जारी है। सोलर लाइट जो लगनी है इस संदर्भ में ना तो इनके पास किसी कंपनी का कोई लेटर है, ना ही किसी कंपनी का कोई खाता है। सोलर लाइट लगाने के लिए पंचायत वालों ने जो 69,000 रुपये युवकों को दिए थे उनमें से 45,000 इन्हें वापस मिल गए हैं, मगर 14,000 ये लेने में नाकामयाब रहे क्योंकि वो दोनों युवक मौके से फरार हो गए। इस संदर्भ में मामला दर्ज किया जा रहा है। आगे तफ्तीश में जो जो इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई जाएगी उनको उस हिसाब से गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में इस गैंग, अगर कोई गैंग इसमें इन्वॉल्वमेंट है गैंग की, तो उसके तह तक जाकर पूरी तरह छानबीन की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी तांदी, सरोवा, छपराहण आदि गांव में कई तरह की ठगी के लोग शिकार हुए हैं। तांदी पंचायत प्रधान व वार्ड मेंबरों ने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। के चैनल के लिए पंडो से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट।